नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी का बहुत स्वागत है। फाइनली सचिन वजे की ऑडी गाड़ी भी मिल गई है और अब तक 7 गाड़ियां जो है एनआईए अपने कब्जे में ले चुकी है और अभी ये देखना बाकी है कि जेलेटिन की छड़ें कब खरीदी गई, किससे खरीदी गई और इनके कोड क्या थे। इसके अलावा वजह की गाड़ियों की भी मैं आपको पूरी जानकारी देने वाली हूँ कि कब कब कौन कौन सी गाड़ी कैसे कैसे जो है अपने कब्जे में ली गई। इसके अलावा इतना भी तय है कि सचिन वजे की मुश्किलें अब कम होने वाली नहीं है, मुश्किलें उनकी बढ़ती जा रही हैं, वो महाराष्ट्र सरकार के लिए भी परेशानी का सबब बनते जा रहे हैं। ये सब हुआ कारोबारी मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर खड़ी स्कॉर्पियो से जो 20 जेलेटिन छड़े मिली थी उसी मामले में उनको गिरफ्तार किया गया था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने इसकी पुष्टि की है कि हालांकि एनआईए ने ये क्लियर नहीं किया कि इन छड़ों को कहां से खरीदा गया, कब खरीदा गया, किससे खरीदा, लेकिन ये छड़े नागपुर के सोलर इंडस्ट्रीज कंपनी में बनी हुई है ऐसा बताया गया। जेलेटिन की छड़ों पर नाम दर्ज के आधार पर एनआईए जल्द ही कंपनी के लोगों को बुला करके उनसे पूछताछ कर सकती है। इसके अलावा नागपुर पुलिस ने कंपनी के मालिक का बयान दर्ज किया था। बरामद छड़ों पर वैसे कोई सीरियल नंबर नहीं था, लेकिन अगर एनआईए वो बॉक्स खोज लेती है जिसमें इन छड़ों से जिनमें से इन छड़ों को निकाला गया था तो ये गुत्थी काफी हद तक सुलझ सकती है। हर बॉक्स पे क्योंकि एक क्यूआर कोड लिखा होता है जिसका रिकॉर्ड कंपनी अपने पास रखती है। एंटीलिया केस में एनआईए ने 8वीं कार आखिरकार बरामद कर ली है और सचिन वजे के नाम पर यह गाड़ी रजिस्टर्ड थी, काले रंग की ऑडी। इसकी तलाश बहुत दिन से महाराष्ट्र एटीएस और एनआईए को थी। मनसुख हिरेन की हत्या में इस कार की काफी अहम भूमिका थी और इसी कार का इस्तेमाल किया गया था। फिलहाल एनआईए ये जांच कर रही है। एनआईए को शक है कि सचिन वजे ने इसी ऑडी कार का इस्तेमाल मनसुख हिरेन की मौत से ठीक पहले किया था। अभी एक स्कॉडा भी जिसकी तलाश की जा रही है उसका जिक्र एनआईए ने अपनी रिपोर्ट में किया था और एनआईए को अब एक स्कॉडा कार की तलाश है। मैं आपको बता दूं कि ये कारें कब कब कहां कहां से कैसे कैसे खरीदी गई। तो स्कॉर्पियो कार जो थी वो 25 फरवरी को मिली थी एंटीलिया के बाहर जिसमें विस्फोटक पदार्थ था। इनोवा 25 मार्च को मिली थी, ये स्कॉर्पियो गाड़ी का पीछा कर रही थी और ब्लैक मर्सिडीज 16 मार्च को पुलिस गैरेज में छिपाई गई थी और ब्लू मर्सिडीज 18 मार्च को क्राफर्ड मार्केट से बरामद की गई थी। लैंड क्रूजर प्राडो 18 मार्च को थाने से बरामद की गई और वॉल्वो 22 मार्च को एटीएस ने इस कार को जब्त किया था। आउटलैंडर 30 मार्च को नवी मुंबई से मिली थी और ऑडी कल यानी कि 31 मार्च को विरार इला से बरामद हुई थी। मिलित काठे को सीआईयू की कमान दे दी गई है, उन्हें नया प्रमुख बनाया गया है सीआईयू का। पूर्व प्रमुख सचिन वजे की गिरफ्तारी के बाद एक अटकलें लगाई जा रही थी कि इस प्रोफाइल में कौन आता है, इसे लेकर के काफी सारी अटकलें चल रही थी और हाल ही में अपराध शाखा से 65 अधिकारियों के भी तबादले किए गए थे और 24 नए अधिकारियों को भी यहाँ नियुक्त किया गया है। इसके अलावा योगेश चौहान को एंटी एक्सटॉर्शन स्क्वाड की कमान सौंपी गई है। तो दोस्तों, ये थी सचिन वजे से जुड़ी खबर, उनकी गाड़ियों से जुड़ी हुई खबर। आप मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए एमबी स्पीक्स और देते रहिए अपनी कीमती राय मेरे कमेंट बॉक्स में। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरी वीडियो सबसे पहले मिले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।